बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूँ आप साथ में। ये एक लड़की की वीडियो अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, एक खासकर जो सऊदी अरब की सोशल मीडिया उसके ऊपर भी मैं देख रखा था। तो मैं जब इसकी डिटेल में गया हूँ तो जो कुछ मुझे इल्म हुआ है मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये कुवैत की एक लड़की है जी, और कुवैत की ही ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर शायद वो वीडियो भी चलानी दिखानी शुरू कर चुका हूँ। इस वीडियो में जो वज़ीर दिफा हैं यानी कि वजारत खारजिया बोल रहे हैं आप, उनसे ये मुखातब है, उनको ये कह रही है। अच्छा, वजारत खारजिया यानी कि वज़ीर दिफा की तरफ से इस लड़की के ऊपर, ये कुवैत में आई हुई थी, सिंगर है, मॉडल वगैरह, तो इसके ऊपर अभी पाबंदी लगा दी है, ना तो ये कुवैत से जा सकती है। और अगर ये इसके बकौल कहा जा रहा है, और इसको भाई अगर इसको पत्थर भी मारे जाए तो ये अभी वही उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रही है कि मुझको पत्थर क्यों मारे जाए और मैं कुवैत से जा क्यों नहीं सकती। हालांकि जब मैं इंटर हुई हूँ उस टाइम मैंने अपना PCR टेस्ट वगैरह सब क्लियर किया है, एक शादी की तकरीब में शिरकत की है, वहाँ पर गाना वगैरह गाया होगा जो भी है जी, तो उसके बाद भी मैंने अपना PCR टेस्ट क्लियर किया है, तो इसके बकौल ये कहा जा रहा है। लेकिन जो मामला असल में बताया जा रहा है, इसके साथ एक और बंदा था, वो भी सऊदी बताया जा रहा है, यानी कि कुवैत का आपको बोल रहे हैं, सऊदी वहाँ पर भी होते हैं, तो उसको इजाज़त दी गई है जी जाने की, आप जा सकते हैं, और वो वापस भी चले गए हैं शायद किसी दूसरी कंट्री में। तो ये अभी शिकवा ये कर रही है कि जब उसको इजाजत दी गई है जाने की तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। बहरहाल जो भी मामला है जी, इसकी ये वीडियो वायरल थी सोशल मीडिया के ऊपर और इसके मुतलक अभी तक की डिटेल यही आई है। हाँ, वजीर दफा की तरफ से अगर इसको रोका गया है तो इसमें भी कोई ना कोई किसी किस्म की वजह हो सकती है, इसको बिला वजह तो रोका नहीं गया फिर।